Hello friends, this is Pavan Choudhary. Welcome to Unacademy. I'm extremely sorry, थोड़ा सा technical issue आ रहा था. So the scene is under operation. उसके कारण थोड़ा सा class late हो गया. Mic नहीं लगाया. Okay. I think voice is clear. है ना? So जैसा आप लोगों ने वादा किया था कि आप फ्री में टॉपिक पढ़ाइए, हम लोग आएंगे क्लास के अंदर, बट वैसा कुछ रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है, है ना? सो इस टॉपिक के बाद, मतलब ये जो पूरा टॉपिक है, इसके बाद आई विल थिंक ऑन दैट कि उसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. कल 24 तारीख को हमने बात की थी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और आपके जो 1919 का जो एक्ट था और 1935 है, तो इन दो एक्ट्स के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर बात की थी और उसी को अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था. आज के लेक्चर में 25 तारीख के लेक्चर में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की. कल बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन पार्लियामेंट, देन फंडामेंटल राइट, देन डीपीएसपी, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड देन सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, तो 24 से 31 तक पूरा शेड्यूल किया था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पाया है, तो उसके कारण हो सकता है ये सीरीज मैं बीच में बंद कर लूँ, क्योंकि जो प्लस के स्टूडेंट है ऑलरेडी ये टॉपिक तो उन्होंने पढ़े हुए हैं, है ना, या उनको तो मैं प्लस के अंदर पढ़ाऊंगा. जो फ्री स्टूडेंट है, जो अनअकैडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई और दूसरी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था, बट ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों का आया नहीं, है ना. और अभी तो ऐसा भी नहीं कि कुछ काम है, सब लॉकडाउन वगैरह सब कुछ है, तो कोई कुछ काम करने जा भी नहीं रहा है. सो द फाइनल डिसीजन इज दैट कि इसके बाद वी विल सी, मैं टीम से बात करके बताऊंगा कि आगे क्या चीजें कंटिन्यू होगी क्या नहीं होगी. चलिए, सो थोड़ा लेट हो गए इसलिए फटाफट इसको मैं बात कर लेता हूँ, ऑलरेडी वी आर 5 मिनट लेट. तो एमबीपीएससी मेंस पेपर 3 और पेपर 3 का कोर्स चल रहा है 2019 के लिए. एमबीपीएससी मेंस पेपर 1 का कोर्स चल रहा है फॉर द 2019 के लिए. पेपर 2 का जो कोर्स है, ये कोर्स चल रहा है फॉर द 2019 के लिए. 2019 के 3 कोर्सेज चल रहे हैं मेंस के, ओके. और पेपर 4 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. उसके अलावा एमबीपीएससी मेंस पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये प्रीलिम्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो दोनों पार्ट अभी यहाँ पर है, जिसमें पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको वहां पे कराया जाएगा, पूरा सिलेबस विद द ग्राफ चार्ट्स वगैरह वगैरह उनके माध्यम से. और उसके अलावा आपके 2020 मेंस है ना, 2020 का जो मेंस है उसके लिए पेपर 2 लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और एक क्लास इसकी हो चुकी है जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसके अंदर हमने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ पेपर को डिस्कस की, सिलेबस को डिस्कस किया था. तो ये जो पार्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये लॉन्च हो चुका है. अगर आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं एमपीपीएससी के लिए, तो इन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, इन सभी क्लासेस को. चलिए, सो इन सब चीजों को छोड़ते हैं. सब्सक्रिप्शन के लिए आपका जो पूरा प्राइस है वो 7000 रुपीज है ना. इसमें अगर एक महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इट कॉस्ट 1400 रुपीज, एंड इफ यू आर गेटिंग 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, यू इट द प्राइस इज 7000 रुपीज. मतलब 5 महीने के प्राइस में आप 1 साल का खरीद सकते हैं, 58% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है. लेकिन आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो कोड इज पवन लाइव, इस कोड का आप यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज, प्लस कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है. चलिए, सो टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, है ना. तो उसकी बात करते हैं. संविधान सभा के पहले या उसके अगर बैकड्रॉप की हम बात करें, तो आपको पता है कि 1861 से जो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह यहाँ पे बनती रही, ठीक है. संविधान सभा के निर्माण, इसकी बात पहले से आपके अगस्त ऑफर या उसके बाद आपके वेवल प्लान, जो प्लान्स यहाँ पर आए 42 और 45 के अंदर, तो वहां पर भी बात की जाने लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक संवैधानिक सभा आपको यहाँ पे बना के दी जाएगी, लेकिन युद्ध के बाद दी जाएगी, है ना. सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय पे, तो 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, तो उनको बोला कि युद्ध के बाद हम तुमको असेंबली बना के दे देंगे एंड ऑल दैट, बट इंडियन जो लीडर्स थे, आप स्पेशली महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे, उन लीडर्स का बोलना था कि नहीं, हमको जो भी रिजॉल्व जो भी चाहिए वो इसी समय पे चाहिए, है ना. अभी अगर मिल गया तो ठीक है, और बाद में अगर अभी नहीं मिला है तो अभी बाद में हमको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उसके बाद लगातार बात होती रही, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ. जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो जितने भी देश थे, आपके अमेरिका हो गया, मतलब जितने भी बड़ी कंट्रीज थी, स्पेशली ब्रिटेन है, फ्रांस है, या आपके डच है, तो इन लोगों की कॉलोनीज बनी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो इनके ऊपर एक दबाव आया कि अब अपनी कॉलोनीज अभी यहाँ पे खत्म करो. उसके अलावा भारत के अंदर भी जो आंदोलन था वो कई उग्र आंदोलन थे आजादी के लिए, और उसके बाद अल्टीमेटली 1946
में 1946 के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो आपकी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे तय किया कि कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाए। एक मिशन भेजा गया जिसको देखा गया कि जाके देखेगा कि भारत के अंदर संविधान बनाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है। तो कैबिनेट मिशन भारत के अंदर अभी यहाँ पे अभी आता है। ओके, अब देखो इसके अंदर यह है कि इसके पहले पाकिस्तान की जो डिमांड है, एक सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड भारत के अंदर वहां पर चल रही थी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश अभी यहाँ पे बनाया जाए, जहां पर बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा थी आपके ईस्ट के अंदर, मतलब ईस्ट बंगाल जो उसको हम बोलते हैं वो वाला एरिया उस समय पे, और दूसरा जिसको हम अभी बांग्लादेश बोलते हैं, और दूसरा आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आपका जो बलूचिस्तान और सिंध वाला जो पूरा एरिया था। तो इन एरियाज के अंदर एक अलग से पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड है वो कई सारे डिमांड हो और भी कई सारे एरिया में अलग अलग एरिया बनाने की जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है उनकी डिमांड अभी यहाँ पर लगातार चल रही थी। ठीक है, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन है वो भारत यहाँ पे भेजा गया, जितनी भी पार्टीज थी उन सब पार्टीज से बात करने के लिए, पार्टीज मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरी रिलीजियस पार्टी हिंदू महासभा या दूसरे कई सारी पार्टीज थी, तो उनसे बात करने के लिए कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसका भी यहाँ पे बोलना है कि अभी जो पावर है तो वी कैन डेलीगेट द पावर, की जो शक्तियां हैं वो हम आप लोगों को अभी यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पर एक केंद्र बनाया जाएगा, है ना, एक सेंटर बनाया जाएगा, और वो सेंटर जो है वो अभी यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके बीच में फिर पावर अभी यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, बाकी लोगों के पावर डिवाइड यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन है, उसने बोला यूनाइटेड इंडिया इज अ मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड द पार्टीशन ऑफ पार्टीशन जो है पाकिस्तान का, और पार्टीशन और पाकिस्तान इज नॉट ऑफ द वायबल, है ना, कि जो अलग पाकिस्तान की जो डिमांड है वो बिल्कुल भी अभी यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। जो भी होगा एक इकलौता जो आपका भारत है वही अखंड भारत रहेगा। तो सेपरेट पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो उन्होंने वहां पर रिजेक्ट कर दी। प्रिलिम्स में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो सेपरेट पाकिस्तान है उसकी डिमांड किसमें रिजेक्ट की गई, तो इसके अंदर ये डिमांड जो है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई, और यहीं से फिर 1946 से आपका जो आंदोलन है द मूवमेंट ऑफ आपके सेपरेट पाकिस्तान का और उग्र हो गया, और पाकिस्तान डे और डायरेक्ट एक्शन डे ऐसे कई सारे डेज उन्होंने वहां पर सेलिब्रेट किए। ठीक है, खैर वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि पूरा जो डिवीजन है तो तीन पार्ट के अंदर भारत को डिवाइड किया जाएगा, जिसमें ग्रुप ए है ना, जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार वगैरह, तो हिंदू एरिया ये ग्रुप ए अलग कर दिया। ग्रुप बी है जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आपका बलूचिस्तान और वो पूरा एरिया है, पंजाब और सिंध, है ना, ये तीन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो गए। दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था ग्रुप सी, जो इंडिया के ईस्ट में था, है ना, वो था आपका बंगाल और असम। तो ये तीन ग्रुप बना देंगे और तीन ग्रुप के अंदर अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश करवा देंगे वहां पे, तो उनको वो शक्तियां वगैरह यहाँ पे दे दी जाएगी। ये जो टेम्परेरी ये एक सॉल्यूशन था, ये आपका जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन अभी यहाँ पे लेके आया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन है, उसने रिकमेंडेशन दिया कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो प्रांतीय आपकी विधान परिषद हैं, तो प्रांतीय विधानसभा परिषद जो है वो ये ग्रुप एबीसी जो यहाँ पे बना है तो इसको भी यहाँ पे सेपरेशन का काम करेगी, इन ग्रुप्स को यहाँ पे क्रिएट करेगी और उन ग्रुप्स के अंदर एंटर होगी, है ना। तो जो प्रांत है उनकी विधानसभा बनेगी वो उस एबीसी ग्रुप के अंदर अभी यहाँ पर एंटर होगी, और उसके बाद एक जनरल इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होने के 10 साल बाद जो ग्रुप्स के अंदर अभी यहाँ पर एंटर हुए हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमको उस ग्रुप के अंदर अभी यहाँ पर रहना है या नहीं रहना है। जैसे पता चला कि 10 स्टेट थे, उन 10 स्टेट को मिला के एक ग्रुप बना दिया गया ग्रुप ए, अब वहां पे चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद 10 साल तक वो देखेंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं है, और उस 10 साल के बाद उन लोगों को जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि उनको उस ग्रुप में रहना है या नहीं रहना है। तो ये चीज यहाँ पे की गई। उसके बाद देयर इज अ कॉमन सेंट्रल कंट्रोलिंग द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, कि जो केंद्र है, केंद्र के पास में कुछ शक्तियां होगी, आपका जो सुरक्षा है, आपका जो रक्षा मामले हैं, विदेशी मामले हैं, संचार वगैरह है, तो ये सब केंद्र सरकार देखेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देखेगी, और बाकी जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत है, तो उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी होगी। कैसी ऑटोनॉमी? जो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी, 1935 का जो एक्ट था, कलम में पढ़ा था, तो वहां पर जो ऑटोनॉमी थी सेम ऑटोनॉमी यहाँ पे दिया जाएगा, और उसके अलावा जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो आपके राज्यों को भी यहाँ पे दे दिए जाएंगे। मतलब स्टेट का जो पावर है या प्रोविंस का जो पावर है, प्रोविंस मतलब राज्य, स्टेट, प्रोविंस का जो पावर है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्टेट। स्टेट से डिफेंस, फॉरन अफेयर और कम्युनिकेशन, ये तीन मामले ही यहाँ पे देखेगा। उसके अलावा उसके पास बहुत ज्यादा कुछ पावर है केंद्र के पास में यहाँ पे नहीं होगा। तो केंद्र थोड़ा सा एक लचीला केंद्र बनाया गया एंड विद द स्ट्रॉन्ग स्टेट, है ना, तो स्टेट है उनको स्ट्रांग बनाया। अभी थोड़ा सा उल्टा है, अभी स्टेट जो सेंट्रल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है एंड स्टेट जो है वो थोड़े से अभी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है।
हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा अभी का जो भारत का सिस्टम है उसका पूरा उल्टा सिस्टम उन्होंने वहां पर उस समय पे क्रिएट किया। और जो रेसिड्यूरी पावर है, जो बची हुई शक्तियां अपशिष्ट शक्तियां हैं, ये होगी प्रोविंस के अंदर, प्रांतों के अंदर, जो अभी पार्लियामेंट के पास में है उस समय पे प्रांतों के अंदर होगी, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो डिसीजन है आपके इस कमेटी के द्वारा भी यहां पे लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़, जस्ट वेट, ओके। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहां पे बनेगी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये अभी कैबिनेट मिशन ने बोला कि देयर विल बी वन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी इसका काम होगा भारत के लिए संविधान बना, और कैसा संविधान भारत के लिए बना सकता है वो भी यहां पर डिफाइन किया जाएगा ना, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अभी यहां पर बन सकता है, किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ये भारतीयों के द्वारा यहां पर तय की जाएगी। अंग्रेजों को बोलना था कि हमारे सामने तुम बना लो कि तुमको जो भी बनाना है ना, बाद में मत बोलना ये हो गया वो हो गया, जबकि महात्मा गांधी का बोलना था कि तुम लोग जाओ, हमको जो बनाना है हम बना लेंगे, है ना, वो तुम्हारा इशू नहीं, वो हमारा इशू है। तो ये गांधी जी और उनके बीच में कन्वर्सेशन होता था, और गांधी जी हमेशा पार्टीशन के खिलाफ थे, बट अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उसके लिए प्रॉपर इलेक्शन हुआ 1946 के अंदर। उस इलेक्शन के अंदर जो मेंबर्स हैं वहां पर इलेक्ट किए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये आजादी के पहले की बात बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बन चुकी थी, आजाद तो हम 47 में हुए। तो जो अखंड भारत था, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश पूरा जो एरिया है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, और उसके अंदर 389 मेंबर्स उसके अंदर हुए। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया है तो उसके अंदर 296 मेंबर थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा वगैरह वगैरह, बॉम्बे, मद्रास। दूसरा था प्रिंसली स्टेट, या हाँ, इसके अंदर भी जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, उसके अंदर 292 सीट थी। उसके बाद आपके जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, दिल्ली, कुर्ग, देन ऐसे कुछ एरिया हुआ करते थे। तो ये चार चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के बनाए गए। ऐसे करके 296 जो सीट है वो ब्रिटिश इंडिया को भी यहां पे दी गई। उसके बाद दूसरा जो पार्ट था वो था प्रिंसली स्टेट या रियासती राज्य। अभी जो रियासती राज्य थे, जो इंदौर या भोपाल या दूसरे ऐसे स्टेट से जो अंग्रेजों के डायरेक्ट अधीन नहीं थे, सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि है वो साइन करके वहां पे गए थे, तो ऐसे सभी राज्य के 93 मेंबर्स यहां पर होंगे, 93 मेंबर्स यहां पे होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 296 मेंबर है इनका तो इलेक्शन होगा, है ना, चुनाव होगा, और चुनाव के द्वारा उनको चुना जाएगा, जबकि ये जो 93 मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को अभी जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा हैं वो उनको नॉमिनेट करके यहाँ पे भेजेंगे। तो दे आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये नामित सदस्य अभी यहाँ पर आपके अपॉइंट इसके अंदर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम इवोल्यूशन की बात करें या उसकी बात करें, तो कई सारी चीजें हैं वो उसके अंदर मिलाई गई। जैसे उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसके बाद आया, ना उसके बाद जो कुछ बदलाव हुआ है उसका कंपोजिशन है पूरी असेंबली का, वो अभी यहाँ पे चेंज हुआ, है ना। प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट है वो बनाई गई, कमिटीज बनाई गई, कई सारे अलग अलग सोर्सेस देखेंगे किन किन सोर्सेस से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने वहां पे ली है, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई कि अब अंग्रेजों की सरकार तो खत्म हो गई, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, तुम अपनी सरकार बना लो, और उसके लिए फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार बनाई गई। और उस अंतरिम सरकार के अंदर जो आपके जो वायसराय थे, तो वायसराय वाज़ द हेड, है ना, वो उसके चीफ हुआ करते थे, और उसके अंडर फिर पूरी कमेटी बनी जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसके वाइस चेयरमैन थे, है ना, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन तो था ही था, उसके अलावा उसके वीसी थे, वाइस चेयरमैन थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सी एच भाभा, लियाकत अली, अब्दुल राम दस्तार, आसफ अली, राजगोपालाचारी, अय्यर, आपके चौधरीगर, देन आपके अली खान, देन आपके जोगिंदर नाथ, ये मेंबर्स हैं इन इन मिनिस्ट्रीज के साथ में वहां पर अपॉइंट किए गए, ठीक है। तो ये सब मेंबर्स बने। अब ये क्या करेंगे, गवर्नर जो वाइसराय है उस वाइसराय के अंडर रहेंगे, और जो भी काम अपना है वो सरकार चलाने का जो काम है वहां पे किया जाएगा। ये एक टेम्परेरी प्रैक्टिस थी कि जब तक सब कुछ चीजें तय नहीं हो जाती, जब तक सरकारें वगैरह नहीं बन जाती, तब तक ये टेम्परेरी प्रोविजन है, ये अस्थायी जो प्रतिबंध है, ये अस्थायी चीजें अभी आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोविजन यहां पे दिए गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जैसे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान जो सभा है उसका भी यहां पे गठन किया गया, ठीक है। तो 1946 में, नवंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको जैसा कैबिनेट मिशन ने बोला था वैसा अभी उसको अभी क्रिएशन है वो यहां पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ है, ये डबल बार आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जा भाई।
चलिए अब इसके अंदर जो इलेक्शन था, जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ, तो 1 मिलियन लोगों पर एक सीट दी गई है ना, कि टोटल जो सीट्स हैं 386 में आपको जो सीट बताई 389, तो 389 में से आपके 1 मिलियन लोगों पर एक सीट यहाँ पर डिफाइन की गई। उसका जो मेथड थी वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसी मेथड के ऊपर राष्ट्रपति वगैरह के या राज्यसभा के मेंबर्स के आज के टाइम पे चुनाव होते हैं, तो लगभग उसी मेथड के ऊपर जो इन प्रांतों के चुनाव यहाँ पे किए गए। अब ऐसा नहीं कि जनता ने वोट डाला है ना, कि लोगों ने वोट डाला जाके अपने मेंबर्स चुने, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो राज्यों में जो विधानसभाएं थी, राज्यों में जो प्रांतीय विधानसभाएं थी या प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उन प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया, उनको इलेक्ट किया गया और इलेक्ट करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा गया। जैसे आज के टाइम पर राज्यसभा के चुनाव होते हैं, सेम उसी प्रकार से उन मेंबर्स को वहां पर चुनके वहां पर भेजा गया। और जो प्रिंसली स्टेट थे, रियासती राज्य थे, तो उनका तो आपको पता ही है कि राजा खुद अभी नॉमिनेट करके भेजेगा। तो इलेक्शन है जुलाई अगस्त 1946 में, इनके जो चुनाव है वो चुनाव आयोजित किए जाते हैं। और सीट एलोकेशन जो है वो इस प्रकार से रखा गया कि जो तीन प्रिंसली आपके जो जो कम्युनिटी है आपकी, जो तीन आपकी मुस्लिम, सिख और आपके जनरल, जनरल में सब आ गए, उसके अंदर हिंदू और बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं सभी आ गए, तो उनको लगभग लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे मिले। तो उस प्रकार से अभी जो डिविजन है, इस प्रकार से विभाजन उसका वहां पे किया गया, ठीक है, तीनों के अंदर बांटा गया। जो चुनाव हुए, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस है 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग अभी यहाँ पर 73 जो सीट्स है वो सीट्स अभी यहाँ पे जीतेगी। और उसके अलावा जो जो दूसरे प्रिंसली स्टेट्स हैं तो वो अपने मेंबर्स को अभी यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, उनके जो भी राजा हैं, जो भी उनके हेड हैं, वो उसको यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, बट जो दूसरे जो पाकिस्तान के लोग थे या पाकिस्तान बनाना चाहते जो, तो उनका डिमांड था कि नहीं ऐसा नहीं, हमको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग अभी चुनाव तो यहाँ पे जीत गया है ना, इलेक्शन तो वहां पर जीत गए, बट वो उसके अंदर शामिल नहीं हुए, या प्रिंसली स्टेट थे तो उनको भी क्लियर नहीं था कि क्या करना है, गलत पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन ने बोल दिया इकट्ठा यहाँ पे बनेगा, तो ईच एंड एवरीवन इज इन कंफ्यूजन। लेकिन कांग्रेस और उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर मुस्लिम लीग है, तो बाद में मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी वहां पर टांग अड़ाने के लिए उसको ज्वाइन किया है ना, बट ज्यादा कुछ वहां पे वो कर नहीं पाए। प्रिंसली स्टेट का कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो अश्योर थे, जो नेहरू और पटेल के इन्फ्लुएंस में थे, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को वहां पे ज्वाइन किया। तो काफी कम लोगों ने उस समय उसको वहां पे ज्वाइन किया, स्पेशली इसके बाद आपके जो एमपी के अंदर जो मेंबर्स थे, तो भोपाल के अंदर एक सीट दी गई थी, ग्वालियर के 4 मेंबर, इंदौर का 1 मेंबर, रीवा के 2 मेंबर, और सीपी और बराड़ जो एरिया था उसके 17 मेंबर्स हैं है ना, वो पार्ट एरिया जो है ये मेंबर्स अभी मध्य प्रदेश की तरफ से अभी यहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर अभी यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंट वहां पे किए गए। अब उसकी असेंबली या उसकी वर्किंग है, उसका कार्य अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ। पूरे मेंबर तो आए नहीं, लेकिन जितने भी मेंबर आए थे प्रिंसली स्टेट के मेंबर, कुछ आए थे कुछ नहीं आए थे, या मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया फिर बाद में ज्वाइन भी किया, बहुत सारे नाटक नौटंकी थे उनके, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी यहाँ पे बनती है, और पहली जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को पहली मीटिंग इसकी अभी यहाँ पे होती है ना। और इस मीटिंग के अंदर आपके जो सज्जनानंद सिन्हा है, ये इनको उसका जब टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट है वो बनाया जाता है। आज के टाइम पर भी होता है कि जब संसद की पहली बार मीटिंग होती है तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, बस ऐसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और ये प्रोटेम स्पीकर ने एक दिन के लिए फिर बाकी आपके जो मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाई, और जो नया जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन का अभी अपॉइंटमेंट करते हैं। नए अपॉइंटमेंट जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 10 दिसंबर को नए जो चेयरमैन है या परमानेंट चेयरमैन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनते हैं। उसके अलावा 2 वाइस चेयरमैन थे, वीसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, तो ये 2 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे बीएन राव, वो जाने माने उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, और उसके अलावा उस समय के जाने माने सिविल सर्वेंट थे है ना, तो उनको वहां पर ज्वाइन किया गया। इनके भी बड़े नखरे थे कि मुझे नहीं ज्वाइन करना, मैं अंग्रेजों के साथ में काम किया हूँ, तुम्हारे साथ में कैसे करूंगा वगैरह वगैरह। पटेल ने बोला नहीं, तुमको काम करना पड़ेगा, तुमसे अच्छा कोई डिसीजन ले नहीं सकता, तो उनको शामिल किया गया। सेक्रेटरी टू द असेंबली, पूरी असेंबली के जो सेक्रेटरी थे वो थे आपके HVR अयंगर, ठीक है। उसके चीफ ड्राफ्टमैन थे, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना और जो पूरा ड्राफ्ट डिजाइन किया गया, तो वो थे आपके SN मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, ड्राफ्टमैन है मतलब उसको पूरा डिजाइन किया उन्होंने पूरी चीजें, वो उसके ड्राफ्टमैन थे। तो जो कमेटी थी आपकी डॉक्टर अंबेडकर और इन लोगों की, तो वो एक पॉलिटिकल कमेटी थी, बट बेसिक जो टेक्निकल काम था, जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो SN मुखर्जी थे। जो कैलीग्राफर थे, जो उन्होंने पूरी कैलीग्राफी उसके अंदर की है, उसमें आप देखोगे तो उसके अंदर आपके रामायण के, वैदिक पीरियड के, देन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अकबर के समय के, ऐसे कई सारे चित्र वहां पे बने हुए हैं, ठीक है। तो वो चित्र उसके अंदर बने हुए हैं, उसका फोटो में डालना भूल गया है ना, तो अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा। तो वो
ये प्रेम उन्होंने वहाँ पे शांति निकंदन से ये लोग आए, प्रेम बिहारी रायजादा और ये सब लोग, और उन्होंने पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कैलीग्राफ किया गया है उसकी कॉपीज अभी यहाँ पे प्रिपेयर की है ना, और वो कॉपीज अभी भी हिंदी और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर रखी हुई है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1950 में जो बनाया गया था वो अभी भी सुरक्षित है और उनके अंदर हीलियम के एक बॉक्स के अंदर उनको रखा गया है ताकि वो पेज वगैरह खराब ना हो या उसका इंक है वो खराब ना हो जाए। आप अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पार्लियामेंट जाते हैं और पार्लियामेंट का एक म्यूजियम है, इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट म्यूजियम, तो वहां पर अगर कभी जाएं तो उसको देख के आइएगा है ना, वो पूरा ओरिजिनल आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मुस्लिम वगैरह वगैरह ने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया तो इस प्रकार से जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इनकम्प्लीट थी, बट इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी अभी यहाँ पे काम कर रही थी। ठीक है, सो द मुस्लिम जो मुस्लिम लीग है दे अर्ज फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली और उसके बाद जो है वो देश को अलग यहाँ पे कर दिया जाता, वो अलग लगाने करने के जो दिमाग है जो उनका वो सब कुछ चीजें वहां पर लगातार चलती रही। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, उद्देश्य प्रस्ताव की। तो जब असेंबली स्टार्ट हुई उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बहुत अच्छे वक्ता थे, एक विजनरी नेता थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक भाषण दिया 13 दिसंबर 1946 को ऑन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य का प्रस्ताव कि संविधान का उद्देश्य क्या है, है ना। जैसे अभी क्लास मैंने स्टार्ट किया बताया मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो क्लास का उद्देश्य क्या है वो पता होना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे, तो जो संविधान बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है उसको लेकर 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने आपसे स्पीच दिया और उसके अंदर बोला गया कि इंडिया जो है इट्स सॉवरेन रिपब्लिक, जो नेशन है एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, ये गणराज्य यहाँ पे बनेगा। ये सब डेफिनेशन हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो ये बनाया गया। और उसके अलावा जो यूनियन है तो ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट और दूसरे जो एरिया है आउटर एरिया उनको मिला के जो भारत का जो गठन है वो भारत का गठन अभी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसने जस्टिस की बात की जो हम आगे प्रियम्बल जब पढ़ेंगे जब बात करेंगे, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा के द्वारा अभी यहाँ पे पारित किया गया और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है या संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना आगे जाकर वहां पे बनता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एक 3 जून प्लान आया है ना, 3 जून 1947 को अभी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, थोड़ा सा मैं आगे निकल गया, ज्यादा ही आगे चला गया। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने चैम्बर के अंदर, अपने जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर भी डिक्लेयर करती है कि हम भारत को आजादी दे देंगे। और कब तक दे देंगे, 30 जून 1948 तक भारत को आजादी दे देंगे। और जो पार्टीशन की जो बात की गई थी वो बिल्कुल अलग कर दी गई कि मुस्लिम लीग जो है वो जो पार्टीशन चाहती है इस प्रकार का कोई भी पार्टीशन नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट कमीशन ने मना कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग लगातार अड़ी रही कि हमको सेपरेट पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान अभी यहां पर हमको चाहिए, और ये लगातार प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। और उसके बाद फिर उन्होंने एक नया जो गवर्नर जनरल है या वाइसराय है वो भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है उनकी जो रॉयल फैमिली है वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था, तो आपके जो माउंटबेटन है माउंटबेटन को भी यहाँ पे भेजा गया है ना। 24 मार्च 1947 से 6 मई 1947 तक अभी उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स की, अलग अलग जितने भी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दूसरे भी जितने भी लीडर्स थे सब लोगों के साथ में माउंटबेटन ने आने के बाद मीटिंग की। और उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक 3 जून प्लान है वो 3 जून प्लान वहां पे रखा, 3 जून प्रस्ताव उसको कहा जाता है। उसके अंदर उन्होंने बोला कि भारत का पार्टीशन किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान दो स्टेट, दो अलग अलग राज्य हैं या दो अलग अलग देश हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, और ये जो आज़ादी है ये 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब उसमें जो लास्ट मीटिंग हुई थी 2 जून को, उसके अंदर आपके जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड माउंटबेटन, ये तीनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, क्या हुआ, तो 3 लोगों ने मिलकर इस देश का जो पार्टीशन है वो पार्टीशन कर दिया, हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा कि हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान जो स्टेट हैं वो दो स्टेट अभी यहाँ पे बनाए गए। उसका जो वाइसराय की जो पोस्ट थी वो वाइसराय की पोस्ट खत्म कर दी गई, फिर से दोनों स्टेट के, दो अलग अलग देश हैं, दोनों देशों के अलग अलग जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे। और जो ब्रिटिश कानून है, जो पुराने ब्रिटिश कानून चल रहे हैं, तो उन कानून को कंटिन्यू यहाँ पे करना या नहीं करना वो तय किया जाएगा किसके द्वारा, उस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा। तो दोनों देशों की दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, संविधान सभाएं बनेगी, और वो अपने देश का संविधान बनाएगी, वो तय कर सकेगी कि भारत को क्या करना है, कि भारत को रिपब्लिक बनना है या वापस मोनार्कियल बनना है, या भारत को डेमोक्रेटिक बनना है या नहीं बनना है, है ना, संप्रभु रहना है या नहीं रहना है, ये सब चीजें कौन तय करेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करेगी। जैसे पाकिस्तान ने, उसने बोला हमको इस्लामिक रिपब्लिक बनना है, ठीक है, तो ये ठीक है इस्लामिक रिपब्लिक बन जाओ, हमने बोला हमको सेक्युलर बनना है तो हम सेक्युलर बन गए,
है ना, वी आर सेक्युलर नेशन, ठीक है, वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गए, तो जिसको जैसा लगा वैसा उसने वहां पे कर लिया, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बन के तैयार हो गया, पाकिस्तान का संविधान 1956 के अंदर जाके वहां पे तैयार होता है और इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो भारत के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इट्स मोर 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 ग्रेटर देन द पाकिस्तान और अदर नेशन, ठीक है। सो इस प्रकार से ये बनता है, उसका जो एम्परर ऑफ द नेशन है, भारत का जो एम्परर है, उसकी पदवी हुआ करती थी राजा के पास में, तो वो पदवी अभी यहाँ पे समाप्त कर दी गई, वो एम्परर नहीं होगा, वो राजा अभी यहाँ पे नहीं होगा। और जो सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है ना, वो जो पावर है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, है ना, कॉमनवेल्थ आप समझते होंगे राष्ट्रमंडल देश है, तो राष्ट्रमंडल देशों के जो प्रमुख जो अधिकारी हुआ करते थे या जो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको भारत और पाकिस्तान के जो मैटर है वो मैटर उनको भी यहाँ पे सौंप दिए जाते हैं। और उसके अलावा जब तक आपका नया कानून ना बन जाए, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमने कल पढ़ा था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस कानून के अकॉर्डिंग जो है आपको जो भी अपना फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग अभी यहां पर उसके अंदर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो संविधान सभा है इंडिया की, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो अंतरिम संसद भी होगी, है ना, क्योंकि संसद तो बनेगी नहीं, संसद कब बनेगी, जब चुनाव होंगे तब बनेगी, तो ठीक है। 1947 से, मतलब जब से इसका मीटिंग स्टार्ट हुआ है ना, तो तब से लेके जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशन नया जो इलेक्शन नहीं हो गया 1952 में, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही आपके अंतरिम संसद के रूप में अभी यहाँ पे लगातार काम करती रही, ठीक है। उसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये भारत के पहले, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने वो बने आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है, वो भारत के प्रधानमंत्री के पहले प्रधानमंत्री के जो शपथ है उन्हें 1947 के अंदर अभी यहाँ पे ली थी। ये उसके मेंबर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वल्लभ भाई पटेल होम एंड आईबी, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, ये याद कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आजाद एजुकेशन, जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, आर के शेट्टी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, डॉक्टर अंबेडकर लॉ, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, सी एच भाभा इट्स ए कॉमर्स, रफी अहमद किदवई कम्युनिकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल सप्लाई, वीजी गार्डगिल वर्क्स माइन एंड पावर। तो ये पूरा मिनिस्ट्री ये बना। अब मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है उसको याद कराने का कि मैं कुछ भी आपको ट्रिक बना के बात कर दूं कि अब कुछ भी यार, सम पीपल आर क्रिएटिंग द नॉनसेंस ट्रिक, है ना, तो आई डोंट नो मैं कैसे बनाऊँ, मुझे भी नहीं पता, है ना, तो कोई ट्रिक वगैरह होती नहीं, ये चीज़ें याद करना पड़ेगी। ट्रिक का ऐसा होता है कि आप ट्रिक्स अगर याद कर भी लोगे तो उस समय ड्यूरिंग द क्लास आपको वहाँ पे चीज़ें याद हो जाएगी, क्लास के चार घंटे बाद खुद ना खुद से पूछना कि याद है क्या, बोलेगा नहीं याद है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से याद करने की कोशिश नहीं करोगी, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो खुद से याद करने की कोशिश करो, और चलो ठीक है तुमने याद कर भी लिया, जब मेंस में जाओगे तो मेंस में ट्रिक काम नहीं करती, वहां पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो मेंस अगर देना है या तुमको लगता है कि तुम प्री क्लियर करके मेंस दोगे यहाँ पे, तो भैया खुद को आंसर राइटिंग के लिए, चीजों को याद करने के लिए प्रिपेयर रहो, ट्रिक वगैरह से कोई भी जो काम है यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आजाद हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया या 3 जून जब प्लान आया, तो जो जितने भी रियासती राज्य थे उनको बोल दिया गया कि तुम इंडिया को सिलेक्ट कर लो या पाकिस्तान को कर लो या इंडिपेंडेंट रह जाओ, तो इट इज ऑन द यू, वो आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। उसके बाद 28 अप्रैल 1947 को 6 जो स्टेट हुआ करते थे, जो भारत के अंदर 6 स्टेट थे, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अभी यहाँ पे अडॉप्ट किया कि भारत के संविधान है, वो भारत के संविधान के अंदर अभी आने की बात है, वो आने की बात यहाँ पर उन्होंने की, है ना। उसका जो असेंबली है वो पूरी तरह से एक सॉवरीन बॉडी, एक प्रभुत्व संपन्न बॉडी बनाई गई, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी इट्स सॉवरीन बॉडी, एक प्रभुत्व संपन्न बॉडी है, वो जो भी तय करेगी वो देश के लोगों को भी यहाँ पे मानना पड़ेगा, वो लोगों को यहाँ पे मानना पड़ेगा या सरकारों को वहां पर, जो ब्रिटिश सरकार है उसको वहां पे मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो असेंबली है, कोई भी जो कानून जो ब्रिटिश के टाइम पर बनाया गया है उस कानून को बदलाव यहाँ पे कर सकती है, उसके अंदर चेंजेस यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। जो कोई भी कानून है, इंडियन आर्म्स एक्ट और कई सारे कानून है, उन कई सारे कानूनों के अंदर जो बदलाव है, बदलाव किया गया, तो इट इज ऑन द विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके अंदर वो चेंज कर सकती है। उसके अलावा यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर एक विधायिका के रूप में काम करती है, तो जब वो कानून बनाती थी देश के लिए ना, दो काम करती थी, एक काम था संविधान बनाना, तो संविधान की बैठक होती थी, जब वो संविधान नहीं बना रही होती है उस समय देश के लिए कानून बना रही होती है, और जब वो कानून बना रही होती है तो उस समय पर वो संसद कहलाएगी, है ना, आपकी प्रोविजनल पार्लियामेंट या अंतरिम संसद कहलाएगी। तो भारत में दो फंक्शन है एक साथ उसने वहां पे किए। अब आजादी के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको एक प्रस्ताव लाके डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको कंटिन्यू किया गया, और कंटिन्यू करके वो पार्लियामेंट के रूप में उसने वहां पे काम किया। तो जब तक पहले इलेक्शन होके, पहली लोकसभा इलेक्ट होके नहीं आ जाती, तब तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने
अंतरिम पार्लियामेंट के रूप में 1952 तक अभी यहाँ पे काम किया, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वही असेंबली अगर आपके वही असेंबली हाँ वही असेंबली जो है वो आपके जब एक मिनट है ओके थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा क्योंकि लाइट चली गई है ना, तो वही असेंबली जब आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में या जो संसद के रूप में अभी यहाँ पे काम करती थी, तो उस टाइम पर जो है जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष अभी यहाँ पे होते थे। और ये दोनों फंक्शन जो है 26 नवंबर 1950 तक यहाँ पे किए, और 1950 को पता ही है कि हमने अपना संविधान है वो संविधान साइन कर दिया, और उसको साइन करने के बाद जो है वो एक मिनट यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी उसको साइन करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमने वहां पे डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेंथ थी जो अब नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहां पे बनती है ना, तो वही असेंबली थी, मेंबर्स भी वही थे, बाकी मेंबर जो है यहां पर सेपरेट हो गए। यहां पर क्या हुआ कि सेपरेट होकर यहां पर यह हुआ कि आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी, तो नई जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 299 हो गई, उसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के 229 मेंबर और प्रिंसली स्टेट के 70 मेंबर इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट किए गए। पहले 389 और वो हुआ करते थे, अब ये एक्चुअल नंबर है जो आजादी के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने कुछ और भी काम किए, जैसे आपका इंडिया का जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ का उसको रेटिफाई किया, क्योंकि हम तो एक प्रभुत्व संपन्न देश है, हम किसी दूसरे ग्रुप का अगर मेंबर बनते हैं, यूएन का मेंबर बनते हैं, किसी और का मेंबर बनते हैं, तो उसके लिए सरकार की मंजूरी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है अगर हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बन जाते हैं या हम राष्ट्रमंडल के मेंबर बन जाते हैं तो वो हमारी सोवरेनिटी को प्रभुत्व संपन्नता को चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल फ्लैग है, तो 22 जुलाई 1947 को इसी असेंबली ने नेशनल फ्लैग है हमारा जो झंडा है उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद नेशनल एंथम है, तो 24 जनवरी 1950 को एक बैठक हुई जिसके अंदर नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को जो नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम उसको अडॉप्ट किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसको पहला प्रेसिडेंट है उनको भारत का पहला प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट किया गया। उसका 11 जो सेशन है 11 सेशन उसके अभी यहाँ पे होते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन इतने समय तक इन्होंने काम किया, और 60 अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी करके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे बनाएगा। और उसका जो सील हुआ करता था ये इस प्रकार का कुछ सील हुआ करता था, क्योंकि आजादी के पहले ही सील वगैरह सब कुछ बन गया था यहाँ पे, सो दिस इज द सील जिसके अंदर पूरा उस समय का भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पूरा एरिया है, और बीच में एक एलिफेंट है वो भी है, और यहाँ पे नीचे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया ऐसे करके इसके ऊपर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरे फंक्शंस हैं वो अभी यहाँ पे होते हैं। उसके बाद कुछ कमिटीज वगैरह उसके अंदर बनाई गई, सो देयर आर टू टाइप ऑफ कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई, एक आपकी प्रोसीजरल कमिटी थी, दूसरी सब्सटेंसिव कमिटी थी, ठीक है। अब प्रोसीजरल कमिटी तो उसके मेंबर्स की बात करें तो स्टीयरिंग कमिटी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन हाउस कमिटी प्रेसिडेंट आपके बी पट्टाभी सीतारमैया, उसके बाद आपके प्रेस गैलरी कमेटी थी उषा नाथ सेन, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के मुंशी, देन आपके क्रेडेंशियल कमेटी थी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके जो मेंबर्स थे वो आपके वो उसके चेयरमैन थे इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके। उसके बाद कमिटी फॉर द नेगोशिएशन विद द स्टेट, राज्यों के साथ में नेगोशिएशन की जो कमिटी थी उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। ये सब आपको याद करना है ना, चीफ यूनियन स्टेट कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल प्रांतीय समिति थी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कमीशन ऑन द लेजिस्लेटिव लिंग्विस्टिक प्रोविंस या प्रांतीय जो राज्य थे उनके ऊपर कमेटी थी एस के धर, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे उसके बावजूद उसका मेंबर वहां पे बनाया गया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन नलिंदी रंजन सरकार, ये भी उसके सदस्य नहीं थी। उसके बाद एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस वरदाचारी, देन आपके कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड द माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास याद करने का, आपको खुद को ही ये सब चीजें अभी यहाँ पे याद करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब असेंबलीज वगैरह बनाई गई, और दो तरह की कमेटी, प्रोसीजरल कमेटी और आपके सब्सटेंसिव कमेटी, दो टाइप की कमेटी जो है यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आगे मुझे कुछ चीजें और डिस्कस करनी थी बट अभी लाइट चली गई है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा बैकअप मिल नहीं पाता उसका, है ना, तो 5-10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो इसके लिए इस क्लास को भी यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो चीज़ें हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, तो आप देख सकते हैं, चाहे तो आप उसकी जो PDF है ये PDF के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं, ये आगे चीज वैसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही दोस्तों, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं।
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू.